एवरी वन मेरा नाम नूर फातिमा रशीद है और मैं पाकिस्तान नेशनल चेस मास्टर हूँ uh, मैंने अभी रिसेंटली नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया था और उसमें मुझे नेशनल मास्टर का टाइटल मिला था पाकिस्तान चेस फेडरेशन की तरफ से उसके अलावा मैं एमएससी साइकोलॉजी कर रही हूँ यूएमटी से और सोशल uh, वर्क भी करती हूँ और चाइल्ड अब्यूज़ अवेयरनेस पे मेरा सोशल वर्क है uh, चेस मैंने स्टार्ट की थी वन आई वॉज सेवन ईयर्स ओल्ड तब मैंने पीसेस मूव करना सीखे थे uh, उन्हीं दिनों में मैंने एक चेस पे डॉक्यूमेंट्री देखी थी सूजन पोलगर पे जो कि उस वक्त uh, एक ग्रैंड मास्टर थी फीमेल ग्रैंड मास्टर शी वॉज द फर्स्ट वन टू ब्रेक जेंडर स्टीडियो इन चेस और वहाँ से मेरा और इंटरेस्ट uh, डेवलप हुआ बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर कि पाकिस्तान में क्या क्या अपर्चुनिटीज़ हैं और वर्ल्ड लेवल पे वमेन के लिए क्या अपर्चुनिटीज़ हैं कि हम किस तरह इसको प्रोफेशनली प्रस्यू कर सकते हैं सो देन आई टोक एडमिशन इन वेबस्टर यूनिवर्सिटी इन यू एस ए वहाँ पर हमारी बेस्ट कॉलेज लेवल चेस टीम थी तो उधर चेस टीम का मैंने मैं पार्ट बन गई और वहाँ से मैंने ट्रेनिंग शुरू की और वहाँ पर हमारी हेड कोच सूजन पोलगा थी तो उनके अंडर मैंने कोचिंग ली और वापस आके मुझे पता चला कि पाकिस्तान में भी टूर्नामेंट्स होते हैं सो आई जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू दोज टूर्नामेंट्स इवेंचुअली आई स्टार्टेड विनिंग दोज टूर्नामेंट्स नई हमारी चेस फेडरेशन बनी है जो कि मंथली बेसिस पर काफ़ी टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए बच्चों के लिए वुमेन के लिए ओपन कैटेगरी है ओपन कैटेगरी में कोई भी जाके पार्टिसिपेट कर सकता है चेस जो है वो एक माइंड गेम है और इससे आपका माइंड शार्प होता है और ऑल्सो इसको लाइफ से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है हमेशा कहते हैं कि आपका जो प्लेइंग स्टाइल है वो किसी ना किसी तरीके से आपकी पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है आप आ, किस तरह खेलते हो क्या आप रिजर्व होकर खेलते हो यू प्ले अटैकिंग यू आर अग्रेसिव यू काम एंड कंपोज ऑन द बोर्ड तो वो सा, आपकी सारी चीज़ें जो हैं इट्स अ पार्ट ऑफ हु यू आर एंड दे आर रिप्रजेंटिंग यू उसके अलावा ये है कि चेस में जब हम स्ट्रेटीज़ बनाते हैं या हम लोग प्लानिंग करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इस तरह रिफ्लैक्ट कर रही होती हैं कि हाउ वी प्लान और स्ट्रेटेजाइज डिफरेंट थिंग्स इन आवर लाइफ तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करती है चेस इसमें भी और ये है कि इसमें दो साइड्स होती हैं द ब्लैक साइड एंड द वाइट साइड वाइट मूव्स फर्स्ट और हमारा एम ये होता है कि दूसरे के किंग को हमने चेक मेट करना है सो चेक मेट एज अ टर्मिनोलॉजी विच मीन्स कि आपका किंग इट्स ट्रैप नाउ और इसके पास कोई और प्लेस जो है वो जाने के लिए नहीं है तो दैट्स हाउ द गेम एंड्स विद द चेक मेट चेस अगर किसी ने शुरू करनी है इन पाकिस्तान वट दे कैन डू एस दैट दे कैन स्टार्ट गोइंग टू देर लोकल क्लब्स अब हर सिटी में क्लब्स हैं एंड दे केन जस्ट स्टार्ट प्लेंग विद द लोकल प्लेयर्स ओवर देयर उसके बाद वन से स्टार्ट इम्प्रूविंग द गेम टू द क्लब्स विल गाइड दैम हाउ दे कैन पार्टिसिपेट इन प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स में जैसे जैसे परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो नेशनल टीम में सेलेक्शन होती है देर टू टाइप्स ऑफ टर्नामेंट्स वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट्स आर ओपन कि उसमें एक फेडरेशन जितने मर्जी प्लेयर्स सेंड कर दे हमारी फेडरेशन टेन प्लेयर सेंड कर सकती है ट्वेंटी हाउ एवर दे वॉन्ट टू बट कुछ क्लोज टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे कि वर्ल्ड ओलम्पियाड है जिसपे सिर्फ आपके रिप्रेजेंटेटिव जो सिलेक्टेड प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने अपनी कैटेगरी विन की होती है सिर्फ वही जाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वर्ल्ड लेवल पर चेस जो है इट्स द मोस्ट प्लेड गेम और 188 कंट्रीज़ अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड चेस ओलंपियाड हुआ था उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इतनी पार्टिसिपेशन किसी और गेम में नहीं है ना ही आ, कोई वीडियो गेम है ना ही ऑनलाइन ना ही कोई फ़िज़िकल स्पोर्ट है जिसमें इस लेवल पर पार्टिसिपेशन हो तो हर आ, लेवल पे जो है बच्चे भी कम्पीट कर रहे हैं और आ, पाकिस्तान में ये ट्रेंड अभी आना शुरू हुआ है कि इस तरह प्रमोट किया जाए एक गेम को और हम लोग इंटरनेशनल कम्यूनिटी से अगर देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा हमारा गैप है बट इस गैप को कवर करने के लिए वी विल नीड मोर पीपल जो कि गेम स्टेप करें दे डिस्कवर देयर पोटेंशियल्स एंड देन दे कैन डिस्कवर न्यू राइजन्स फॉर द कंट्री एज वेल इन द गेम एंड कीप रिप्रजेंटिंग पाकिस्तान एंड ब्रिंग सम इंटरनेशनल टाइटल्स एज वेल अभी हमारे कम्यूनिटी uh, में वुमन के लिए टाइटल्स अभी अभी अनाउंस हुए हैं बट इंटरनेशनल टाइटल्स बहुत देर से एग्जिस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में अभी तक हमारे पास टाइटल प्लेयर्स नहीं हैं वो वही टाइटल प्लेयर्स बनाने के लिए अब हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और ज़्यादा इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं बिकॉज़ विदाउट इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन इट्स नॉट पॉसिबल टू विन एनी इंटरनेशनल टाइटल्स बिकॉज यहाँ पे रेटेड टूर्नामेंट्स नहीं होते जिसके थ्रू uh, टाइटल जो हैं वो मिल सके आई माई सेल्फ आई एम गोइंग टू रिप्रजेंट पाकिस्तान इन ओमान इन एशियन एमेचोर चेस चैम्पियनशिप Uh, और इट्स एन एज लेवल टूर्नामेंट जिसपे 40 प्लस कंट्रीज़ जो हैं आएंगे uh, हम पाकिस्तान की तरफ से आई एम गोइंग एज़ अ नेशनल टीम मेम्बर और मुझे स्पॉन्सर किया है एम एम टॉक्स ने एम एम टॉक्स इज़ अ प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान टैलेंट को प्रमोट कर रहा है और इनका uh, मुझे स्पॉन्सर करने का भी यही विजन है कि दे प्रमोट सच पीपल एंड आर हेल्पफुल टू सच पीपल जो कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं बिकॉज uh, किसी भी स्पोर्ट में एक्सेल करने के लिए यू नीड थ्री थिंग्स यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम यू नीड योर फैमिली सपोर्ट एंड द नेक्स्ट थिंग इज सपोर्ट फ्राम द स्पॉसर्स तो पाकिस्तान में uh, ये बहुत कम है कि हर स्पोर्ट को जो है स्पॉन्स मिलें बट एम एम टॉक्स इज सपोर्टिंग सच प्लेयर्स एंड देर प्रमोटिंग टैलेंट इन पाकिस्तान इज वेल पर्सनली माई गोल इज़ टू बिकम अ टाइटल प्लेयर माई सेल्फ एंड टू विन एन इंटरनेशनल टाइटल आई हैव अशनल टाइटल बट मूविंग टू वर्ड्स इंटरनेशनल टाइटल नाउ उसके लिए मैक्मम uh, सपोर्ट चाहिए और उसके लिए मैक्मम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स चाहिए होंगे बिकॉज यू कैन ओनली बिकम टाइटल प्लेयर वैन यू रीच अ स्पेसिफिक रेटिंग और उस रेटिंग को अचीव करने के लिए भी uh, कम से कम टेन टू ट्वेल्व टूर्नामेंट जरूरी हैं इंटरनेशनल लेवल पर देर आर टूर्नामेंट्स जिसमें डायरेक्ट टाइटल्स भी मिल जाते हैं but that is only world olympia. this way you can go and win a direct title. or else you have to follow a procedure, a protocol. so Abby, uh, i have started now. this will be my second rated international tournament. Uh, or future may uh, i want to keep uh, playing chess regardless of whatever i'm doing in my uh, practical life, in my uh, uh, personal life. Uh, this is something i'm very passionate about and uh, i'm not planning to leave the game until i achieve my goals so in pakistan, there's a lot of potentials if chess, many baki or uh, sports maybe, uh, because uh zyada hai, as i mentioned before, the gap, hai. So i would encourage more people to step up. just are passionate, apu and uh, try to stay consistent and try to develop and work towards your passion, uh, because um, we want to see more uh, people excelling in their fields and representing pakistan and making a name for pakistan and for themselves as well you